दोस्तों पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस मैच में बड़ा मुकाबला हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के दो किंग्स मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के दरमियान। जी हां दोस्तों, आयरलैंड सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है और रवाना होगी आयरलैंड सीरीज के लिए। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने इकट्ठे बाबर आजम के खिलाफ बॉलिंग की और बाबर आजम पूरे स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के चक्करों में नजर आ रहे हैं, लंबे छक्के लगा रहे हैं और फखर जमान ने भी अबरार अहमद की काफी धुलाई की। एक और बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान टीम के लिए आई जिसके बारे में बताने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान टीम के स्पीड स्टार हारिस रऊफ इंजरी से रिकवर हो चुके हैं, वो भी प्रैक्टिस मैच खेलते हुए नजर आए और इफ्तिखार अहमद भी बॉलिंग करते नजर आए। पाकिस्तान टीम ग्रूव में नजर आ रही है। दोस्तों इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम 7 मई को रवाना हो जाएगी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए और बाबर आजम कप्तान जो है बहुत उम्दा खेल रहे हैं, लेकिन दीगर बैटर्स के खिलाफ आमिर की बॉलिंग भी बहुत उम्दा नजर आई। बस आमिर फॉर्म में आ गए तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाई जाएगी। लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने $1,00,000 इनाम का ऐलान कर दिया पर प्लेयर के लिए। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है तो हर प्लेयर को $1,00,000 मिलेगा। आपके नजदीक क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत पाएगा? कमेंट लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।